नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। खबर है आरा से। भोजपुर में आज सुबह हुई पिता पुत्र की हत्या के बाद अपराधियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, और मुठभेड़ के दौरान विनोद कुमार और ललन कुमार नामक दो अपराधियों को गोली लग गई। भोजपुर SP प्रमोद कुमार यादव ने बताया, मंगलवार की भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के रघुनीपुर गांव पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड में अपराधियों का पीछा कर रही पुलिस पर अपराधियों ने बेलाउर गांव के बधार में गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अपराधी घायल हो गए। दोनों अपराधियों को जख्मी हालत में पुलिस ने आरा सदर अस्पताल में कराया भर्ती, जहां पुलिस की देखरेख में दोनों का कराया जा रहा इलाज। घटना स्थल पर भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव की टीम कर रही कैंप। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए आरा बिहार से सुरेश निखर की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष सुधर नगर संदेश पवना अजीमाबाद चांदी और आसपास के अंदर जो हमारी टीम है पहुंच जाती है। मैं शो में यहाँ पर घटना चलते हूँ, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये जो क्रिमिनल थे, ये सूचना प्राप्त हुई थी कि खेत के थ्रू इधर से भाग रहे हैं, और उसी जो बिलाउर गांव है इसके बगल में, और यहाँ पे हम लोग टीम जब घेराबंदी की तो ये लोग क्रॉस फायरिंग करने लगे, और फायरिंग इन्होंने काफ़ी की जो हमारे पुलिस वालों ने, लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरीके से बचा के जो दो तीन टीम जब तीनों चारों तरफ से इनको घेर ली, तो इन्हें कंटिन्यू फायरिंग किए जा रहे थे, और उसी क्रॉस फायरिंग में जो है दोनों को क्रिमिनल जो है एक ही गोली लगभग लगी है। अभी उसको हम लोग जब डॉक्टर बताएंगे कि एक गोली लगी कितना, लेकिन दोनों घायल हैं और कमर के आसपास गोलियां लगी हैं, और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। इन दोनों जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको इलाज के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ हम लोग रिमांड पर ले लेंगे। बाकी अभी स्थिति सामान्य है यहाँ घटनास्थल पर, और शायद बता रहे हैं एक लड़का और था, उसको हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अगर उसकी भी सूचना मिलती तो उसकी तरफ करवा दी जाए। कितने राउंड फायरिंग कितने राउंड फायरिंग, देखिए हम लोग अभी काउंट नहीं कर सकते। जो हमारी टीम बता रही है कि लगभग हम लोग जो यहाँ पे क्रिमिनल ने कम से कम, हमको लगता है कि 20 राउंड फायरिंग की होगी पुलिस के ऊपर काफ़ी दूर से जो है, और उसमें हमारी टीम ने भी जो है कई राउंड फायरिंग की है। वो तो अभी सत्यापन के उपरांत पता चलेगा। पुलिसकर्मी को तो कहीं गोली नहीं, किसी पुलिसकर्मी को कोई गोली नहीं लगी है। ये लोग सेफ डिस्टेंस में जो है घेराबंदी किए थे, क्योंकि तीनों चारों तरफ हमारी टीम थी, तीनों ने सेफली जो है घेराबंदी की। हाँ, लेकिन वो लोग जो है अपने हथियारों से कंटिन्यू क्रॉस फायरिंग कर रहे थे। हमको लगता है उनके पास 50 से 100 के आसपास गोलियाँ वो एक झोले में भरे हुए थे, जो निकाल के लगातार जो है फायरिंग कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी जो टीम ने काफ़ी अच्छा जो काम किया और इन्होंने जो इसका दर्द पहुँचा, और वो दोनों घायल हैं, उनका इलाज अभी करने के लिए अस्पताल भिजवाया गया। आगे की जो सूचना होती है दिल समझ कर रहती है। ठीक।